ऑलरेडी मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मैं एयरपोर्ट पे ऐसे जा रही हूँ. मुझे लग रहा है आधे लोगों को लगेगा कि मैं अपने हस्बैंड को लेने आ रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है तब बुरा क्यों हो रहा है हमारे साथ. आई कांट बिलीव आई एम फाइनली मेकिंग दिस. If you've been following this channel, then you would know that mera ek boyfriend bhi hai and we have been in a long distance for really really long time. Now, out of 150 plus countries jahan pe wo padhne ja sakta tha, he chose Australia and Australia chose to close their borders for the longest time after COVID. It was only in December, I think, jab borders open hue and us time se leke mujhe abhi tak literally DMs aate hain ki diya plan kar rahe ho Australia jaane ka ya fir Harshad ka wapas aa raha hai. Like I know a lot of you are really interested in this and main apna to bata hi nahi sakti. I was dying for this to happen. So January mein Harshad actually booked his tickets to come back to India and he was supposed to come on 27th Feb. उस टाइम पे थोड़ा थर्ड वेव पीक पे था इन आ कंट्री सो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे. वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज सपोज टू गेट मैरिड इन दिल्ली ऑन 27th Feb. पहले था कि वो शादी भी नहीं हो पाएगी इसलिए आई न्यू कि हर्ष 26 को आ रहा है एंड आई मीट हिम इन लखनऊ. बट थिंग्स गॉट बैक टू नॉर्मल थैंकफुली एंड आई वेंट टू दिल्ली. कॉकटेल और शादी के बीच में जो सैटरडे का गैप था दैट वॉज द डे हर्ष वॉज सपोज टू कम. मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि आपको इंडिया आ रहा है तो टाइम बाद और मैं दिल्ली में हूँगी. सो being the dumb person that I am and very impulsive person that I am, I booked a ticket for me in the same flight. Uska layover tha Delhi mein from Dubai. I think 2:40 ke around he had to reach in Delhi and 6:30 ke around uski flight thi Delhi se Lucknow ki. Mujhe tha ki yaar aadhe ghante ke liye mil paungi because again he'll have to go through the security check-in for the second flight and Delhi ke airport pe security check-ins are a उसमें काफ़ी टाइम लगता है इसलिए आई वॉज लाइक आधे घंटे के लिए जाऊँगी मुझे बहुत बुरा लगेगा. सो मैंने ऐसे ही शाम की 6 बजे वाली फ्लाइट में हर्षित के साथ अपनी टिकट करवा ली एंड दिस वॉज सपोज टू बी अ सरप्राइज फॉर हिम. एंड जब हम बाहर मिल रहे होंगे एंड उसको आधे घंटे में वापस जाना होगा तब आई टेल हिम यू नो वॉट मैं अंदर तक जा सकती हूँ तुम्हारे साथ. Now that I've given you the backstory, थोड़ा a vlog footage भी देख लो तुम लोग. I was so nervous while getting ready to meet him. मेरे दिमाग में पता क्या क्या चल रहा था. I was a mess. Hi guys, so this is the day morning after the cocktail night. Feel it, मेरा गला is gone. मेरी body is paining so much. आज finally Harshad is coming back. So अभी मैं उसे airport मिलने जा रही हूँ. इनिशियली माई प्लान वॉज चली कि मैं हर्षित के साथ ही उसके साथ लखनऊ चली जाऊँगी एंड आई वॉन्ट अटेंड द वेडिंग. बट मुझे फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसकी वेडिंग छोड़ के जा रही हूँ. तो अब देर वॉज अ टाइम जब मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मैं हर्षित के साथ लखनऊ जाती हूँ 8 बजे के बाद ही कोई फ्लाइट हो लखनऊ से दिल्ली वापस तो वो बुक करके मैं वापस आ जाती हूँ उसी सेम दिन ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं शादी अटेंड कर पाऊँ. मेरे पास फ्लाइट टिकट तो है ही तो आई कैन एक्चुअली चेक इन. सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में उसके साथ बैठ जाऊंगी एटलीस्ट. मैं टाइम स्पेंड कर लूंगी बस फ्लाइट के टाइम पे मैं वापस आ जाऊंगी. अभी के लिए यही अपडेट है. नाउ आई हैव टू गो गेट रेडी टू मीट हिम. आई एम सो एक्साइटेड. ओके आई हैव टेकन अ शावर. अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूं. ऑल्सो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है रेडी करने के लिए. ओके दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड आई थिंक आई एम नॉट चेंजिंग. आई एम नॉट गोना डू अ लॉट ऑफ मेकअप ऑनेस्टली. मैं सिर्फ कंसीलर लगा के आई एम गोना बी डन. You know, कल रात में सो भी नहीं पाई बिकॉज आई डोंट नो आई जस्ट कुडंट स्लीप. मुझे पता था 6 o'clock ही लैंड समवेयर एंड वी कैन टॉक. तो मैं 5 बजे तक जगी हुई थी एंड माई हार्ट बीट वॉज सो फास्ट. बिल्कुल सो ही नहीं. आई थिंक मैं सुबह 5:30 बजे के अराउंड सोई हूँ एंड हर्षद कॉल्ड मी अराउंड 9 o'clock. आई वॉज सो ड्रंक टायर्ड एंड स्लीपी. मुझे याद भी मैंने उससे क्या बात की है. ओके आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं दोबारा. आई एम प्रीटी श्योर वो तो एक्साइटेड भी नहीं होगा. मैं ही दिमाग में पागल हुई जा रही हूँ. बट ओके इसके बाद मैं इस व्लॉग में बोलने नहीं वाली हूँ बिकॉज आई विल जस्ट क्राई. ओके फाइनली मेरे फ्रेंड्स टाइमली आ गए थे तो मुझे की मिल गई दूसरे रूम की. आई हैव द कोट स्पोर्ट शूज. आई एम डन. अब मैं एकदम कम्फर्टेबली वहाँ भाग दौड़ सकती हूँ. I don't know since when. I think anybody in long distance.
how are you so chill about being in a long distance? I'm not. It's just I do not show these emotions. I just get very weird. मुझे भी खुद से इतना weird feel हो रहा है that I'm crying in a cab to the airport. This is मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं है तो हमारी पहली डेट एयरपोर्ट पे ही होने वाली है. I'm trying to call Harshit but वो फोन नहीं उठा रहा. I don't know उसकी फ्लाइट लैंड भी कर चुके कि नहीं. अब मुझे लग रहा है हमें एक घंटा भी नहीं मिलेगा यहाँ एयरपोर्ट पे. इसीलिए मैंने इमोशनल होकर फ्लाइट करवा ली थी उसके साथ. ओके, इंटरनेशनल अराइवल्स नीचे हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ भाग के. फाइनली मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह मेरे को पहली बार देखे तो वो पजामे और गंदे से टी शर्ट पहली बार मतलब 3 साल में पहली बार. तुम कैसे भी आते ना, तुम एकदम गंदे तरीके से भी आते तो भी मैं देख के रो रही हूँ. बट पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी कुछ होता है. हर्षित बुरी जगह तो बहुत कंजेस्टेड है, मैं नहीं जाता. Flight 3 days ago. I'm flying with you. Yeah? What? मैंने उसी सेम फ्लाइट में अपनी टिकट करा ली थी. सीरियसली मुझे था कि तुम बाहर आधे घंटे के लिए आओगे तो मैं वापस इतनी बड़ी लाइन में लगना पड़ेगा, तुम्हें टिकट करा लेती हूँ. तब से अंदर क्यों नहीं जा रहे? मैं वेट कर रही थी तुम्हारे यार. पर एक सैड न्यूज़ है, मैं एक्चुअली फ्लाई नहीं कर रही. मतलब उसके बाद हम अंदर गए एयरपोर्ट में. वी गॉट अ पासेस, बोर्डिंग पासेस, एंड वी वेंट टू द लाउंज, हैड सम लंच, साथ में बैठ के बातें करते थे. एंड आई फॉरगॉट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू व्लॉग एनीथिंग. मुझे बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे बस एक दिन और शादी अटेंड करनी है अपनी फ्रेंड के, उसके बाद आई विल गेट बैक टू मीट हिम. उस दिन के बाद से आई थिंक मैं थोड़ा शांत हो गई थी. आई वॉज लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक. एंड शादी वाले दिन क्या हुआ है मैं शादी वाले ब्लॉग में बताऊँगी. बट रात में हमारी ट्रेन थी शादी की, लाइक 27th को. एंड ट्रेन में बैठने के बाद तो माई बॉडी एक वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल. लाइक मैं लिटरली पैरासिटामॉल लेके सो गई थी. सुबह घर पहुंची एंड आई हैड नो एनर्जी इन लेफ्ट. मैं सुबह चर्चा से बात करी थी कि यू नो वी विल मीट बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्लडी मीट हिम. बट उसके बाद मैं सिर्फ मेडिसिन लेके सोती जा रही थी. तो वी डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे मिल लेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ डेज. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, आई फेल्ट कि दिस इज नॉट नॉर्मल फीवर. सो वी हैड दैट कोविड किट विद मी. मैं थोड़ा पैनिक करने लग गई थी तो आई जस्ट चेक्ड इट टू बी अश्योर्ड कि नहीं है मुझे कोविड. एंड It showed positive. I mean, imagine. तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए 3 साल से वेट कर रहे हो. Like, and जब finally he's come back, you test positive. जो भी था वो होम किट वाला टेस्ट एंड इट केम पॉजिटिव एंड आई एम ऑलरेडी फ्रीकिंग आउट. आई हैव बुक्ड एन RT-PCR. उनमें बोला है कि मैं अभी करवा लूँ 1 बजे से पहले तो कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी. आई एम प्रेइंग टू द गॉड्स कि वो नेगेटिव आ जाए बिकॉज दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन. मैं ऑलरेडी कल नहीं मिल पाई बिकॉज आई वॉज रियली सिक. आज आई फील बेटर बट सिंस इट केम पॉजिटिव द होम किट आई डू नॉट वॉन्ट टू रिस्क इट. कुछ ऐसा लग रहा है तब बुरा क्यों हो रहा है हमारे साथ. ऑलरेडी वी हैड टू वेट सो लॉन्ग. सक्स, दिस जस्ट सक्स. And surprise, surprise, I got a positive report. It was so funny. Imagine, हम literally 2 kilometers दूर रह रहे थे and we still had to fucking video call each other. And जैसे ही 7th or 8th day we finally met again. उसके बाद हम थोड़ा मिलना start कर गए थे. ये vlog actually 1st week of March में ही जाना था live, but 1st week of March में I had COVID. उसके 2nd week में I was out of breath and my eyes had given up on me. मैंने Instagram पे काफी कुछ share किया था. In fact, I was scribbling a lot about how my health is not, you know, supporting me. मैं बहुत trip कर रही थी. I do realize it, but
I mean, you know, एक बार keep yourself in my place. I was literally losing my shit उस time पे that I have pending work. I have no energy to complete the work. Plus, मेरा boyfriend आया हुआ है and I can't even meet him. Finally, I think during the third week post COVID, we went on our first date. हम गंगू भाई देखने गए थे. इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? I think they'll understand कि नजर is a real thing. मतलब अगर तुम्हारे आते ही हर्षद मुझे COVID हो गया एक हफ्ते के लिए. मतलब इससे ज्यादा मैं बुरा नहीं चाहती हूँ जब तक तुम यहाँ हो तो आई एम प्लानिंग कि अप्रैल के एंड में अब क्या हो जाएगा व्हाट इफ मुझे और कुछ हो गया क्या आई डोंट नो हम बुरी चीजों का क्यों डिस्कशन कर रहे हैं पहली चीज तो अभी हमें ट्रिप पर जाना है और मेरी एक भी ट्रिप सक्सेसफुल नहीं रही है इस साल लेट्स मैनिफेस्ट कि वो ट्रिप हो जाए एक तो तुमने ये बुक पढ़ लिया बहुत उस दिन लाइक लिटरली मैंने सिर्फ आधा घंटा मॉल घूमा होगा 3 घंटे की मूवी देखी थी जिसमें भी मैं सिर्फ कॉन्स्टेंटली खा रही थी उसके बाद भी आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ मुझे लिटरली चक्कर आ रहे थे मूवी से निकलने के बट उस दिन आई हैड प्लान्ड अ डिनर डेट फॉर अस लाइक आई मेड अ बुकिंग एट सम प्लेस आई वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल एंड इट वॉज सो फनी मूवी के बाद मैं उसे बोल रही हूँ कि हाँ बहुत बार जाना है यहाँ जाना है यहाँ जाना है और उसे दिख रहा है कि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है ही वॉज सो कंसर्न कि इश्ता हमारे पास और टाइम है हम डेट पर कभी और चले जाएंगे वी डू नॉट हैव टू डू दिस बट मैंने बिल्कुल नहीं सुना ये तो बहुत ज्यादा फूल है मेरे को तो खाने में डर लगेगा नीचे गिर गया दस्तों नीचे भी है मन तो मेरा ऐसे कर रहा हाथ फेर दूं मुझे लिटरली लगा था आई मिल्क हिम फॉर कंटेंट हर चीज का कंटेंट बना दूंगी मैं मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था कि मैं कहीं भी शेयर करूं कि हाँ ही इज हियर एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट ही इज हियर मुझे लगा कि ऑलरेडी उसके आने के बाद से इतना कुछ बुरा हो चुका है आई स्टिल आई एम रिकवरिंग सो आई डोंट वॉन्ट कि कुछ जिंक्स या नजर लग जाए आई नो इट्स ऑल साउंडिंग वेरी डम बट लिटरली लास्ट 2 वीक्स से ही मैंने अपना काम रिज्यूम किया है मेरा बस एक ही गोल था कि मैं जस्ट जो काम रिक्वायर्ड है इस हफ्ते में वो करके निपटाऊं एंड बाकी टाइम आई कैन स्पेंड विद हिम मुझे बहुत टाइम बाद ही करने को मिला है तो इसलिए आई जस्ट कम्प्लीटली गेव अप ऑन शूटिंग हिम इज वेल आई थिंक लिटरली मैं जब भी वो आया है हमने पिक्चर्स भी नहीं लिए हैं बहुत टाइम तो जो मुझे अब रियलाइज हो रहा है इज नॉट अ गुड थिंग आई थिंक मैंने बहुत बकवास कर दी आई थिंक आई शुड एंड दिस छोटू सा रैंडम सा व्लॉग विद हिम सो या टाडा कैसा लग रहा है फाइनली हम एक फ्रेम में है हमारे बीच में एक लाइन नहीं है मुझे बोलना था कुछ तो मैं कुछ बोलना चाहता तो तुम बोल सकते हो मैं पता लगा मेरा खाली फेस रिवील है इज रियली टायर्ड मैंने उसको बिठा दिया है कि नहीं हम आज ही इस व्लॉग का आउटरो शूट कर रहे हैं उन्होंने अच्छा बस एक क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद मिल रहा आपके साथ ओके थैंक यू कैसा लगा मुझसे फाइनली मिल के लाइक हम पिछले 2 हफ्तों से मिल पा रहे हैं ओरिजिनली हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे दिमाग में बहुत हाइप्ड अप था कि हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ये तो है मेरे को बिल्कुल भी ऐसा अलग सा नहीं लगा कि मैं 2.5 साल के बाद मिल रहा मेरे को बस ऐसा लगा कि हाँ मिलते रहते थे हाँ ऐसा कुछ विच इज अ गुड थिंग कि हमें बिल्कुल नॉर्मल फील हुआ प्रोबेबली गॉड तुम कितने As you can see, मुझे भाव तो मिल नहीं रहा है इसके मुंह से ज्यादा तो हम ब्लॉग यहीं खत्म थैंक यू फॉर वॉचिंग अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं पूरी हमारी प्लेलिस्ट नीचे लिंक कर दूंगी माय प्लेलिस्ट है एक शॉपिंग चैलेंज तो मैं तुम्हारे पर थोपने वाली हूँ तुम्हें करना पड़ेगा कैसे शॉपिंग चैलेंज मेरी शॉपिंग है तुम्हारी मेरी शॉपिंग जो तुम करना पड़ेगा यू डोंट हैव रिवर्स करते हैं तुम मेरे लिए करो वो मैं कर दूंगी मैं खुशी खुशी कर दूंगी बट आई वॉन्ट टू टॉर्चर यू ना ऐसा कैसे मजा आएगा एक इंडिया विजिट में एक वीडियो मिलेगी तुम्हें तुम हर हफ्ते 2 वीडियो शूट करोगे मेरे साथ हर हफ्ते 2 जो मैं साल भर में यूज करूंगी इतना मैं इतना कंटेंट इतना इतना तो मैं अपने ऑफिस से काम नहीं कर रहा ओके बाय जाके कर दो इतना नहीं आता मैं कौन सा बटन प्रेस करना है नहीं